मजहबी जमात के रावलपिंडी मार्च के पेश नजर मकामी इंतजामिया ने कंटेनर्स लगाकर फैजाबाद इंटरचेंज को दो दिन से सील किया हुआ है। शहरियों के लिए मुतबादल रास्ते खोल दिए गए हैं। फैजाबाद सील होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे, गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद है। गौहर बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं वहाँ की। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैजाबाद इंटरचेंज पुल पे जो मरी रोड पर है उस पर खड़ा हूँ। और यहाँ पर ये मरी रोड जो है फैजाबाद अंदर और मरी रोड मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई है। तहम मुतबादल रास्ते बनाए गए हैं, जैसे एक्सप्रेस हाईवे और दिगर कुछ रास्ते हैं जो जिस पर शहरी आ जा सकते हैं। तहम जो फैजाबाद का यहाँ पर बहुत बड़े बस अड्डा है, मुल्क भर से यहाँ पर बसें आती हैं और यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उनको शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह रावलपिंडी शहर से जो लोग इस्लामाबाद या स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल वगैरह के लिए आते हैं तो उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रास्ते बंद हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको रास्तों का पता नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता है। इसी हवाले से अभी तक कंटेनर्स लगे हुए हैं। पुलिस और जो इंतज़ामिया है, यकीनी तौर पर अभी तक जब हमने देखा है तो शहरियों के साथ उनका रवैया इंतहाई बेहतरीन है, जबकि जो शहरियों की मुश्किल है उसमें अभी तक कोई कमी नहीं आ सकी है। जो बाहर से बसें आती हैं, गाड़ियां आती हैं, उनके लिए कोई ख़ास जगहों का तायुन नहीं किया गया है, चूँकि पैनिक सिचुएशन है, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं, जो स्कूल कॉलेजेस जाने वाले तलबा व तालिबात हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात होती हैं और बाहर से जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी तक जो मुजाहरे से मुतल्लिक कोई इत्तला नहीं आ रही है कि पिंडी इस्लामाबाद में इस तरह की सूरत हाल सामने आ सकी हो, लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो फैजाबाद है उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। और गुज़श्ता दिनों यहां पर कालादम तंजीम के ठीक है। गौहर महसूद हमें अपडेट कर रहे थे। गौहर बहुत शुक्रिया आपका।